दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में, जिसमें बात करने वाले हैं कोस्ट गार्ड का नाविक डीबी जीडी यांत्रिक, मतलब कि फाइनल। जैसे कि आपको पता है कि कल फाइनल मेरिट लिस्ट आउट हो चुका है। हमने कल आपको एक वीडियो बना के उसमें बताया भी था कि कट ऑफ क्या क्या रहा है। इसमें देखिए क्या बात करने वाले हैं, ज्वाइनिंग लेटर के रिगार्डिंग क्या क्या डाउट है सारा चीज़ डिस्कस करेंगे। फाइनल कट ऑफ क्या रहा है वैसे कल हमने बता दिया है, फिर से एक बार बता देंगे। और इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, मतलब कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, लेके जाना ही जाना है। और साथ में एक्स्ट्रा में जैसे क्या क्या लेके जाना है आपको, पैकिंग क्या क्या करना है, सारा चीज़ डिस्कस करेंगे। एक ही वीडियो में सारा डाउट क्लियर करने वाले हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो। सबसे पहले हमारे चैनल पर अपडेट आपको मिल जाता है, या फिर कोई भी वैकेंसी रिगार्डिंग अपडेट हो, या फिर कोई भी अपडेट हो, सबसे पहले अपडेट मिलता है डिफेंस के रिगार्डिंग, सिर्फ डिफेंस के रिगार्डिंग। अदर बात नहीं कर रहे, रेलवे एसएससी की बात नहीं कर रहे, सिर्फ डिफेंस के रिगार्डिंग सबसे पहले अपडेट मिलता है। सो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप दोनों का ही लिंक मिल जाएगा, आप ज़रूर उस पर ऐड हो जाइए। और एक्स्ट्रा अगर कोई भी डाउट अगर रहता है तो आप व्हाट्सएप पर मैसेज करिए या फिर कमेंट बॉक्स में आस्क कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इतना बताना था, अब बात करते हैं सबसे पहले ज्वाइनिंग लेटर के बारे में। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं, जैसे रिजल्ट का इंस्ट्रक्शन जो आया है स्टेज टू, जैसे कि ये दिया गया है और ये आप चेक करिएगा तो आपको ऐसा कुछ मिलेगा, दिखाई देगा, मतलब कि स्क्रीन पे आपको, जैसे आप वेबसाइट पे जाकर चेक करिएगा रिजल्ट, तो ऐसा कुछ पहले दिखाई देगा। और यहाँ पर आपको जैसे ए में दिया है, कंडीशन क्या है, जैसे कि ए में दिया कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड फॉर स्टेज थ्री, जो स्टेज थ्री के लिए शॉर्ट लिस्टेड होंगे उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस और यू आर शॉर्ट लिस्टेड फॉर स्टेज थ्री। और जो मार्क्स है, मतलब कि आपका नंबर है, वो आपका शो नहीं होगा। अगर आपका नंबर शो हो रहा है तो समझिए आप शॉर्ट लिस्टेड नहीं हुए हैं स्टेज थ्री के लिए, और जो ऑब्सेंट है उसका तो कुछ बात ही नहीं कर सकते। अगर नंबर शो हो रहा है तो आप, मतलब कि आपका नहीं हुआ है स्टेज, मतलब कि आपका, आप क्वालिफाई नहीं किए, पास नहीं हुए हैं, और आप का नंबर अगर शो नहीं हो रहा है तो आप 100% पास है, ज्वाइनिंग लेटर आपका आ गया होगा। और आप आगे क्या क्या लेके जाना है सारी चीज़ डिस्कस करेंगे, तो चलते हैं लेके आपको ज्वाइनिंग लेटर पे। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं ज्वाइनिंग लेटर पे लेके। जैसे कि एक बच्चे का ज्वाइनिंग लेटर है और ये जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है इंडियन कोस्ट गार्ड फॉर स्टेज थ्री के लिए यहाँ पे लिखा गया है, रजिस्ट्रेशन नंबर, हॉल टिकट नंबर, सारा चीज़, फादर्स नेम वगैरह सारा चीज़ है। यहाँ पे हमने कुछ हाइड करके रखा है क्योंकि उनको वो बोले थे, मतलब जिन्होंने सेंड किया उन्होंने बोला था कि किसी को, मतलब कि शो मत करिएगा। सो इसलिए जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है ये INS चिल्का में आपका रिपोर्टिंग, जैसे कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है 27 अगस्त को आपका, मतलब कि वहाँ पे रिपोर्टिंग है, रिपोर्टिंग डेट टाइम सारा चीज़ यहाँ पे दिया है, फ्राइडे को दिया गया है। और सारा चीज़ यहाँ पे INS चिल्का में आपका, उड़ीसा में आपका रिपोर्टिंग है, ये GD के लिए फॉर्म अप्लाई किए थे, इनका हो चुका है। और ये पूरा मेरिट लिस्ट है, मतलब कि सॉरी, ये आपका एडमिट कार्ड है। तो ये आपका क्या है, ज्वाइनिंग लेटर है। और इनमें इसमें देखिए इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन में क्या क्या दिया गया है, जैसे कि आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या आपके साथ लेके जाना है, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, आपको वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो जैसे कि आप यहाँ पे आप अपना चेक कर सकते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट है, नहीं है सारा चीज़ में डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप फर्स्ट में देख सकते हैं, यहाँ पर आपको दिखा दे रहे हैं, जैसे यहाँ पर आप देखिए पहले दिया है सेल्फ अटेस्टेड, यहाँ पे सेल्फ अटेस्टेड है, और यहाँ पे रिमार्क्स है, और यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स, मतलब कि स्टेज थ्री ई का एडमिट कार्ड, आपको जो एडमिट कार्ड ये है, ये समझिए एडमिट कार्ड ही है, ऊपर वाला जो फ्रंट पेज था वो आपको लेके जाना है। ये पूरा 22 पेज है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, घबराइएगा मत, क्योंकि वीडियो भरा होने वाला है, सारा चीज़ डिस्कस करेंगे। और देखिए देखिए इसका 5 कलर प्रिंटआउट निकालवा लेना है, 5 कलर प्रिंटआउट स्टेज थ्री का एडमिट कार्ड को। उसके बाद बी में दिया गया है कलर पासपोर्ट साइज फोटो फोटोग्राफ विथ ब्लू बैकग्राउंड, ब्लू बैकग्राउंड के साथ आपको 30 चाहिए, यहाँ पे 30 निकलवा लेना है। और सी में दिया है 10th का मार्कशीट जो चाहिए, और सर्टिफिकेट, मार्कशीट और सर्टिफिकेट फॉर ऑल कैंडिडेट दिया गया है, मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों 6 निकलवा लेना है, सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी, मतलब कि झीरक्स आपको, और साथ में ओरिजिनल भी आपको लेके जाना ही जाना है, और सेल्फ अटेस्टेड कर लेना है खुद से, गेस्ट हाउस ऑफिसर से नहीं कराना है, सेल्फ अटेस्टेड। 12th का भी सेम वही रखा गया है, कंपलसरी फॉर नाविक GD, जो GD के और यांत्रिक के लिए, क्योंकि वो 12th पे बेस है और 10th वाला है सिर्फ 10th का। तो यहाँ पे इसको भी 6 कॉपी लेना है, डिप्लोमा अगर है यांत्रिक कैंडिडेट तो ये भी 6 कॉपी, सर्टिफिकेट, मार्कशीट और सर्टिफिकेट चाहिए, ST SC का सर्टिफिकेट जो भी है गवर्नमेंट का, OBC उनको भी 6 कॉपी चाहिए। यहाँ पर ये अपना झिरक्स करवा लीजिएगा, मतलब कि फ़ोटो कॉपी करवा लेना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए फ़ोटो आईडी कार्ड जो भी आपने मेंशन किया है, मतलब कि फ़ोटो आईडी कार्ड मेंशन, एडमिट कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पैन कार्ड जो भी आपने, उसका 3 कॉपी आपको चाहिए,
तीन कॉपी। हम बोलेंगे आप एक एक दो दो एक्स्ट्रा करा लीजिएगा, से कोई प्रॉब्लम नहीं हो जाएगा, एक्स्ट्रा करा लीजिएगा, दो चार पैसा ज़्यादा खर्चा हो जाएगा यही बस। डोमिसाइल सर्टिफिकेट का आपको छः कॉपी चाहिए, पेरेंटल विलिंगनेस सर्टिफिकेट आपको थ्री चाहिए, पुलिस वेरिफिकेशन थ्री चाहिए, फैमिली पार्टिकुलर सर्टिफिकेट तीन आपको कॉपी करा लेना, अटेस्टेशन फॉर्म आपको कितना दिया है थ्री इन ओरिजिनल, ओरिजिनल में तीन ठो आपको चाहिए, कैरेक्टर सर्टिफिकेट में आपको थ्री चाहिए, विलिंगनेस सर्टिफिकेट थ्री चाहिए और रिक्रूट्स पार्टिकुलर सीट आपको वन कॉपी आपको करा लेना है। जो ओरिजिनल मांगा गया है आपको ओरिजिनल, जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है, जो ओरिजिनल लिखा गया है ओरिजिनल सबका साथ में आपको ओरिजिनल लेके भी जाना है। जैसे कि यहाँ पे दिया है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, मतलब कि एन ओ सी अगर इफ़ एम्प्लॉयड, अगर आप एम्प्लॉयड हैं तो यहाँ पे थ्री कॉपी आपको चाहिए ओरिजिनल, और फोटो कॉपी भी आपका साथ में होना चाहिए। अंडरटेकिंग ड्यूली साइन बाय द कैंडिडेट एंड हिज पेरेंट्स, वो एक है सर्टिफिकेट जो नीचे आपको मिल जाएगा, उसको हम उसका भी आपको लेके जाना है, और नो क्लेम रिस्क अंडरटेकिंग खुद से भर के ले जाना है, और वहाँ पे जहाँ पे पेरेंट सिग्नेचर दिया गया वहाँ पे करवा लेना है। और अब बात करेंगे लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड एज पर COVID-19 प्रोटोकॉल। यहाँ पे देखिए RT-PCR का निगेटिव रिपोर्ट चाहिए आपको, RT-PCR का निगेटिव रिपोर्ट चाहिए, निगेटिव रिपोर्ट चाहिए आपको 96 आवर प्रियर टू रिपोर्टिंग डेट, मतलब कि 96 आवर पहले आपका, मतलब इससे पहले नहीं होना चाहिए एनएस शिल्का पे, मतलब कि जैसे आपका 27 अगस्त है तो उससे आपसे आप 96 घंटा मिला लीजिए, मतलब कि 96 आवर मिला लीजिए, उसके बीच में ही होना चाहिए, 96 आवर से पहले का नहीं होना चाहिए। यहाँ पे जैसे कि देख रहे हैं 22 पेज है, ये अभी दूसरा पेज बता रहे हैं, और यहाँ पे आप बात कर लेते हैं जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड और कलर फोटोग्राफ, यहाँ पे 10 सेल्फ अटेस्टेड लेके जाना है, और ये 10 और चीज़ यहाँ पे पूरा आप देख लीजिए, जो आपको प्रॉब्लम होगा उसको हम आप मैसेज करिएगा, हम बता देंगे, ये सब वहाँ पे आपको मिलेगा। जैसे INS शिल्का में ट्रेनिंग के द्वारा कवर द फ्लोइंग सब्जेक्ट, आप पूरा पढ़ लीजिएगा और जो जो इम्पोर्टेंट वो बता दे रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए आपको क्या लेके जाना है, आप यहाँ पे गुड पेयर ऑफ स्पोर्ट्स शूज, आपको शूज़ वगैरह लेके जाना है, स्पोर्ट सॉक्स लेके जाना है, वाइट प्लेन सॉक्स चाहिए आपको थ्री लेके जाना है, वाइट वेस्ट प्लेन वाइट चार, अंडरवेयर ये सब देख लीजिए, आपका स्विमिंग गॉगल्स, वाइट फेस मास्क, ब्लैक फेस मास्क और नेल कटर वगैरह, हैंडकरचीफ मतलब प्लेन वाइट में चाहिए, रुमाल पेन लेके जाना है, उसके बाद हैंगर्स, ये सारा चीज़ आपको वहाँ पे लेके जाना है, टूथपेस्ट सारा चीज़ यहाँ पे आप देख लीजिए, जो भी आपको प्रॉब्लम होगा यहाँ पे हम बता देंगे आपको, पेयर ऑफ स्लीपर्स आपको ये लेके जाना है, सारा चीज़ यहाँ पे दिया गया है, मतलब कि आप इजीली पढ़ सकते हैं और अपना लेके जा सकते हैं क्या क्या लेके जाना है। और क्या यू आर नॉट ब्रिंग एनी ऑफ द फॉलोइंग आइटम, जैसे कि आपको इसमें से कुछ नहीं लेके, यू आर नॉट टू ब्रिंग एनी ऑफ द फॉलोइंग आइटम, जैसे वाइन स्प्रिट लिक्विड ड्रग्स वगैरह ये सब आपको स्मोकिंग मटेरियल कुछ ऐसा लेके नहीं जाना है, और आर्टिकल ऑफ वैल्यू और ज्वेलरी, और इसके बाद ईटेबल ऑफ एनी नेचर, मतलब कि खाने वाला चीज़ भी आपको कुछ ईटेबल जैसे एनी नेचर ऐसा कुछ लेके नहीं जाना है, और कैश मोर देन 500, मतलब कि 5,000 से ज़्यादा पैसा आपको नहीं लेके जाना है। और उसके बाद ट्रांजिस्टर, वॉकमैन या एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक ऑडियो वीडियो डिवाइस आपको नहीं लेके जाना है, ईयर वैक्स, चिकन पॉक्स वैक्सीन, ये सारा चीज़ आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ हम बता रहे हैं, आरोग्य सेतु ऐप आपका होना चाहिए, और ये आप जैसे कि सेल्फ डिक्लेरेशन बाय कैंडिडेट, स्क्रीनिंग ड्यूरिंग रिपोर्ट क्वारंटाइन आपको यहाँ पे 14 दिन हो सकता है तो कराया जाएगा, और एक कैंडिडेट विल हैव टू पे ₹184 पर डे टुवर्ड मेसिंग चार्ज ड्यूरिंग द क्वारंटाइन पीरियड। आपको देखिए यहाँ पे ₹184 पर डे आपको लगेगा, आप 14 दिन के लिए क्वारंटाइन होंगे तो पर डे आपको इतना पैसा देना पड़ेगा, इसलिए आप ₹5,000 कम से कम लेके जाइएगा साथ में। ट्रेवल एडवाइजरी, मतलब कि एडवाइजरी आपको दिया गया है ड्यूरिंग ट्रेवल के दौरान आपको क्या क्या करना है, ये सब आप पढ़ सकते हैं, जो भी COVID-19 से रिलेटेड सारा चीज़ है, और यहाँ पे आपको क्या नहीं करना है, किसी से हाथ नहीं मिलाना है, क्या मतलब नहीं करना है, यहाँ आप देख सकते हैं सारा चीज़ यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद ये फॉर्म है पेरेंटल कंसेंट फॉर्म दिया गया है, इसको आपको भर लेना है। उसके बाद फादर्स मदर्स लीगल या गार्जियन सिग्नेचर डेट वगैरह, यहाँ पे आपको सिग्नेचर ऑफ विटनेस, और यहाँ पे सारा चीज़ यहाँ पे
फ़ोटो आपको लगा लेना है, कैंडिडेट रिसेंट कलर पासपोर्ट फ़ोटो, यहाँ पे सारा चीज़ आपको लिख लेना है। और ये ऑफिस स्टाम्प टू बी पुट ऑन द फोटोग्राफ, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है। ऑफिस स्टाम्प, अच्छा पुलिस वेरिफिकेशन है तो इसमें आप देख लीजिए ऑफिस का इस आपको स्टाम्प यहाँ पर लगेगा। यहाँ पर सारा चीज़ वही दिया गया है, ये पहले भी हमने बता चुका है, बता दिया है आपको। अभी भी कोई डाउट रहता है यहाँ पे सारा चीज़ आपको फॉर्म भर लेना है, वाइफ फादर मदर सारा चीज़, एज वगैरह नाम वगैरह सारा चीज़, इनकम वगैरह, और कोई मैरिड है तो उनका, कोई मैरिड नहीं है उनका मतलब कि ब्रदर सिस्टर, सारा चीज़ आपको यहाँ पे भर लेना है जैसे कि यहाँ पे दिया गया है। और यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ इंडिविजुअल खुद से सिग्नेचर, नेम रैंक, ये सब आपको कर लेना है। और यहाँ पे फॉर डिटेल वेरिफिकेशन अटेस्टेशन फॉर्म आपको ये भी कर लेना है, सरनेम नेम वगैरह सारा चीज़ यहाँ पर भर लेना है। और ये भी जैसे कि आपका सारा सर्टिफिकेट वैसे आपको निकलवा, कहीं भी अपलोड नहीं करना है, वेबसाइट पर अपलोड नहीं करना है, साथ में लेके जाना है, तो ये सारा चीज़ आप भर लीजिएगा। और ये उसके बाद जैसे कि देख सकते हैं 22 पेज का ये 16 नंबर पे आए हैं, विलिंगनेस सर्टिफिकेट सारा चीज़ है, मतलब कि पहले अगर कोई भी अगर भी अभी भी डाउट रहता है तो आप हमें इससे ज़रूर मैसेज करिए। हमारा नंबर है, ये सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है, नंबर है 7563830146, इस पर आप मैसेज करिए, 100% आपका डाउट क्लियर हो जाएगा और जो भी आपका डाउट होगा उसको हम भर के बता देंगे। ये तो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है और ये 22 पेज का था, और ये सारा ही आपको लेके जाना है। इसमें हमने बता दिया कौन सा कितना कॉपी लेके जाना है, सारा चीज़ डिस्कस कर दिया। अभी भी कोई डाउट रहता है तो ज़रूर मैसेज करिए, कॉमेंट बॉक्स में आस्क करिए, व्हाट्सएप पर मैसेज करिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा आगे ऐसे तरह के अपडेट के लिए, और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों के पास भी शेयर करिए जिनका भी एडमिट, मतलब कि एडमिट कार्ड, और एडमिट कार्ड जो है फर्स्ट पेज था एडमिट कार्ड, जो कि आपको स्टेज 3 के लिए, वहाँ पे आपका मेडिकल होगा, फाइनल मेडिकल उसके, और 14 दिन क्वारंटाइन है तो पर डे 184 रुपये आपको लगेगा 14 दिन तक, तो आपको 5000 रुपये लेके जाना है कम से कम। और क्या लेके जाना है क्या लेकर नहीं जाना है सारा चीज़ हमने डिस्कस कर दिया। अभी भी कोई डाउट आता है तो ज़रूर मैसेज करिए। चलिए दोस्तों इतना ही बताना था, अच्छा लगा हो तो शेयर कर दीजिए, और चैनल पर फर्स्ट टाइम भेज के तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।